नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एनआरजे फाइनेंस पर। तो दोस्तों, आज जैसा कि फ्राइडे को बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो मूवमेंट था वो हम लोगों ने देखा, थर्सडे यानी कि कल रात में मैंने वीडियो शेयर किया था जहां पर आपको बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कुछ लेवल दिए थे, कुछ पॉइंट्स बोले थे जिन पर्टिकुलर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल में बैंक निफ्टी सस्टेन कर सकता था या रिवर्स कर सकता था। तो अगर आपको याद होगा जो एक मैंने लेवल दिया था, अगर आप इसको आप देखिए, जो आज बैंक निफ्टी डाउन आया है तो डाउन आने के बाद ये जो ट्रेंड लाइन थी कहीं ना कहीं इसी के थोड़ा सा नीचे गया और वहां से फिर वो रिवर्स ले गया। फिर उसके बाद देखिए जो दूसरी ये ट्रेंड लाइन थी कहीं ना कहीं यहाँ कहीं उसने लिया सपोर्ट, फिर कहीं ना कहीं देखिए ये इन्हीं के बीच में रहा है। तो अगर आपको याद होगा मैंने जो लेवल्स दिए थे ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम में भी शेयर किए थे, तो कहीं ना कहीं वो उसी लेवल्स के साथ में था। तो चलिए आवरली वन डे चार्ट पे देखते हैं। तो डे वाइज चार्ट पे आएंगे और कैंडल्स पे आते हैं। तो देखिए जो बैंक निफ्टी था कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन के पास में ना, फिर उसके बाद एक ये लेवल मैंने आपको दिया था ऑलमोस्ट 26,978.79 का 75 के आसपास, तो बैंक निफ्टी यहीं पे इसने आकर के क्लोजिंग दी है। तो कहीं ना कहीं यहीं पे वो रहा है आज के दिन। अच्छा दोस्तों, आज बैंक निफ्टी में उतनी बड़ी मूवमेंट अपसाइड नहीं हुई क्योंकि जो भी फाइनेंस के जो भी घोषणाएं हुई है, जो भी नई नई चीजें हैं, वो आई थिंक मार्केट आवर्स के बाद तक उतर आए। अब लगता है कहीं ना कहीं जो मंडे को एक सिचुएशन है अच्छी खासी, देखिए दोस्तों जो मार्केट है अच्छी खासी यहां से लेकर के देखिए 500 पॉइंट 500 प्लस पॉइंट का एक डाउनफॉल आया था, फिर एक 500 प्लस का डाउनफॉल, फिर एक 500 पॉइंट का डाउनफॉल, ऐसे ही देखिए पांच अब तक आ चुके हैं और मार्केट यहां से ऑलमोस्ट 31,550 से ऑलमोस्ट देखिए यहां तक जा चुकी थी, यानी कि 26,000 ऑलमोस्ट 6,000 पॉइंट्स का अब तक बैंक निफ्टी लगातार नीचे की तरफ ट्रेंड ले चुकी थी। अब दोस्तों कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है थमना चाहिए, बैंक निफ्टी मंडे को गैप अप ओपन होना चाहिए। गैप अप होने का रीजन है दोस्तों, अभी तक जितने भी बैंकिंग सेक्टर अच्छा खासा मतलब मार खा रहा था हर तरफ से देखा जाए तो, कोटक अलग स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने के लिए, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ऊपर जाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, कहीं ना कहीं उसको बार बार सेलिंग हावी होती थी और सेलिंग जब हावी होती थी तो सारे बैंक नीचे हो जाते थे। उसके बाद में एचडीएफसी बैंक भी अच्छा खासा नीचे गिर गया देखिए दो तीन दिन में। तो अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहां पे भी एक रैली चलेगी है जो जितने भी बड़े बैंक हैं, और वो जो रैली आएगी वो बैंक निफ्टी को अच्छा खासा ऊपर तक लेके जाएगी। अब मुझे लगता है जो नेक्स्ट वीक है, मैंने देखिए एक वीकली अपना व्यू बताता हूँ मैं आपको, आज ये 26,581 तक के लेवल आया है। अब मुझे लगता है जो नेक्स्ट वीक तक है वो कहीं ना कहीं 28,000 प्लस के लेवल में बैंक निफ्टी चलेगा, कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के चांसेस है, लेकिन ये इतनी भी जल्दी नहीं है, एक दिन में इतना नहीं हो जाना चाहिए। तो मंडे को जब ओपनिंग होगी तो क्या क्या हो सकता है उस पर देखते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जो पहले वीडियो मैंने शेयर किया वहां पे लेवल शेयर किए, वो लेवल्स आपको पसंद आए हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए YouTube चैनल, क्योंकि वहां पर मैं अक्सर आपको लेवल्स, स्टॉक्स व्यू, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक्स बाय करें, शॉर्ट टर्म के लिए, ये सारी चीजें शेयर करता रहता हूं। और दोस्तों अपना जो टेलीग्राम चैनल है एनआरजे फाइनेंस, वहां पर आप जाएं, उसको टेलीग्राम में सर्च करें, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो एनआरजे फाइनेंस को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी मैं आपको डेली ऑप्शन कॉल्स, निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू और स्टॉक्स व्यू देता रहता हूं। तो चलिए देखिए क्या न्यूज है। एक जो पहली न्यूज है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट होता था, इन्वेस्टर्स करते थे, उस पर सरचार्ज लगा था पिछले बजट में, तो वो जो एक ये पॉइंट बन रहा है देखिए, ये एफपीआई कंप्लीटली गवर्नमेंट ने हटा दिया है, यानी कि एफपीआई की अगर बात करें तो एफपीआई हट गया है, जो भी मार्जिन होगा उस पे एफपीआई हटा दिया। दूसरा क्या है, 70,000 करोड़ दोस्तों, ये एक दूसरा पॉइंट है जो कहीं ना कहीं अच्छा खासा बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो 70,000 करोड़ जो है पीएसयू बैंक के लिए
पीएसयूज के लिए, यानी कि पीएसयू बैंक हैं जो उनके लिए अलॉट हुआ है। तो ये जो दो पॉइंट है बहुत बड़े पॉइंट है, कहीं ना कहीं अपने आप में ही अच्छा खासा एक रैली दिखाएंगे बैंक निफ्टी में। तीसरा जीएसटी जो है, जीएसटी रिफंड होगा। तो दोस्तों ये तीन चार पॉइंट जो है अच्छे खासे वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं बैंक निफ्टी की रैली में। मुझे लगता है गैप अप ओपनिंग होगी, वो कहीं ना कहीं जो गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्टेड है 100-150 पॉइंट अबव ओपन हो सकता है। तो लेकिन दोस्तों ऐसे बिल्कुल हम लोग गारंटीज नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो न्यूज़ है, सेंटिमेंट्स है, उसको देख के ऐसा लगता है हो सकता है नीचे भी डाउन साइड भी ओपन हो जाए या फ्लैट भी ओपन हो। तो देखते हैं दोस्तों मंडे में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अभी देखिए बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो 26,978 के आसपास में आई है। अब बैंक निफ्टी अगर देखिए ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि गैप अप ओपन होता है फिर ऊपर की तरफ जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें इस लेवल का वेट करना चाहिए, जो कि ये लेवल है हमारा 27,200 के आसपास में है, 208 का, इसका वेट करेंगे। फिर ये दूसरा रेजिस्टेंस है देखिए 27,421 का, यानी कि अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है बाइंग कीजिए आप, इसके बाद वेट कीजिए इस रेजिस्टेंस के आने का, जो कि है ऑलमोस्ट 27,421। अगर ये लेवल भी क्रॉस हो जाता है, यहाँ से बैंक निफ्टी डाउन साइड नहीं आता है, तो नेक्स्ट इसके लिए जो रेजिस्टेंस होगा 27,521 के आसपास में होगा। तो यानी कि ये जो लेवल्स है ये इसका रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अब देखिए डाउन ट्रेंड की बात करेंगे, सपोर्ट की बात करेंगे, तो सपोर्ट बैंक निफ्टी का जो है वो है, देखिए पहला जो इसका सपोर्ट होगा जो वो होगा यहाँ पर, यानी कि ये जो अगर है इसकी बात करें तो 26,757-54 का, यानी कि जो पहला सपोर्ट है। फिर दूसरा जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 26,580 का है, यानी कि आज का अगर आप देखो तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के पास में। फिर उसके बाद 26,445 है, यानी कि अगर मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ यहाँ से, तो इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो एक लेवल है दोस्तों, ये 26,450 के आसपास में ये जो एक लेवल है वो इसका नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इन लेवल को ध्यान में रखिए। जब भी रेजिस्टेंस का किसी लेवल के पास आता है वेट कीजिए, अगर उसको क्रॉस कर जाए बाई कर लीजिए ऊपर की तरफ कॉल ऑप्शन पे। अगर जैसे ये वाला फिर जैसे सपोज इसको क्रॉस करके इसके पास आ गया, वेट कीजिए, हो सके तो प्रॉफिट थोड़ा बुक कर लीजिए, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। अगर हो सकता है यहाँ से रिवर्स ले सकता है, अगर रिवर्स नहीं लेता है सस्टेन करता है इसके आसपास, इसके ऊपर जा करके, तो फिर एक रैली आपको 100 पॉइंट की आराम से मिल सकती है, तो ऊपर की तरफ फिर आप कंटिन्यू कर लेंगे। सिमिलरली जब सपोर्ट में बैंक निफ्टी पहुंचे तो वहां से आपको बाइंग करनी है। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस के लेवल पे पुट कीजिए यानी शॉर्ट कीजिए, सपोर्ट के लेवल पे आकर के बाइंग कीजिए यानी लॉन्ग करेंगे आप। अब दोस्तों जो बैंक निफ्टी का था ये मंडे का एक व्यू है। अब इसके अलावा अगर देखे कैंडल चार्ट में तो ऐसा है, अगर आवरली चार्ट हम लोग चेक करते हैं इसका, तो आवरली चार्ट में देखें तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी इसी लेवल में रहा है, यानी कि जो मंडे ओपनिंग होगी कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के आसपास में ओपनिंग दे सकता है। तो आवरली चार्ट में जो ये डोजी टाइप की बनी हुई है, तो यहाँ से एक अपसाइड में एक ट्रेंड मिल सकता है। अगर डाउन साइड भी आता है तो मैक्सिमम 26,780-770 के आसपास आएगा, वहां से फिर एक रिवर्सल के चांसेस हैं दोस्तों। चलिए लाइन चार्ट में एक बार इसको चेक कर लेते हैं। जी हाँ, लाइन चार्ट के पास भी अगर आप देखोगे तो एक ये जो लाइन है इसके पास कहीं ना कहीं ये जो है 27,091 पर ही ये दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 27,100 के लेवल पे ही ये दिखा रहा है एक मतलब रेजिस्टेंस दिखा रहा है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो 27,200 के आसपास में आएगा। तो अगर 27,100 का लेवल क्रॉस हो जाता है तो लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको मिलता है आकर के सीधा सीधा। तो खैर अभी के लिए दोस्तों बैंक निफ्टी का ये इतना ही। अगर ऑप्शन डेटा, वैसे ऑप्शन डेटा की हम लोग बात कर ले देख लेते हैं एक बार ऑप्शन डेटा भी। चलिए 29 अगस्त की अगर हम लोग बात करते हैं तो दिस इज निफ्टी, लेट्स चेक अबाउट बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में अगर जाकर के देखते हैं, देखिए जो एक अच्छा खासा पुट राइटिंग अभी भी देखने को मिली हुई है, 2 लाख की है, वो 26,000 के लेवल पे है। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है दोस्तों 26,000 का लेवल अब नहीं आना है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट दिख रहा है अभी भी 26,700 का एक ठीक ठाक दिख रहा है, 72,000
पुट राइटिंग है, साथ में 12 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, फिर उसके बाद जो एक 3 लाख का और यहाँ पर 1 लाख का है, तो 3,33,000 का जो है 26,500 पे है, फिर उसके बाद 1 लाख का जो 23,000 का है वो कहीं ना कहीं है, जो पुट राइटिंग है वो 26,700 के लेवल पे है। तो ऊपर की तरफ बात करें 3 लाख का, देखिए इमीडिएट यहाँ पर दिखा रहा है 2,49,000 का यहाँ पर दिखाया है कॉल राइटिंग, यानी कि 27,000 का लेवल उसके लिए मुश्किल दिख रहा है। और लेकिन साथ में ही दोस्तों अगर पुट राइटिंग का भी सपोर्ट आप देखोगे तो 3,49,000 का यानी कि आसपास बराबर है, तो कहीं ना कहीं 27,000 का लेवल आराम से ब्रेक होगा। तो इसके ऊपर के अगर आप बात कर लो तो फिर 2 लाख, देन 1 लाख, 2 लाख, यानी कि देखिए जो बड़े बड़े लेवल है, फिर 27,100 का है, फिर 27,300 का है, फिर सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग दिख रही है इधर एक है 5,89,000, फिर देन 6 लाख, यानी कहीं ना कहीं 28,000 पे अच्छी खासी हुई है, कहीं ना कहीं देखिए 28,000 पर हुई है, फिर उसके बाद उसके पहले जो हुई है वो 27,500 पे हुई है। यानी कि अगर आप OI डेटा में भी देखोगे तो एक इसके लिए रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो दिख रहा है 27,500 पे, अच्छी खासी मैसिव राइटिंग है, फिर 28,000 पे है, तो ये जो राइटिंग है कहीं ना कहीं अच्छा खासा इसको यहाँ तक जाने के चांसेस लग रहे हैं, और यहाँ पे इसको जा करके यानी 27,500 के लेवल पे और 28,000 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा वीकेंड में HDFC बैंक, कोटक बैंक, SBI बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, और साथ में देखता हूँ कौन सा बैंक ठीक ठाक अगर परफॉर्मेंस दे सकता है, यस बैंक का भी देख लूंगा। तो इन बैंक इन स्टॉक्स के लिए मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें मैं शेयर करूंगा उनके लेवल्स, उनकी अगले चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग उनका अगला मूव क्या हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, बेल आइकन्स को प्रेस कर दीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन आएगा, वहां से हम लोग नेक्स्ट एनालिसिस को देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।